दोस्तों शुरू कर रहे हैं आप अपना खुद का बिजनेस, तो मैं आपको बता दूं, घर से करेंगे तो उसके लिए लोकेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी, केवल आपको माउथ टू माउथ कस्टमर को बनाने की जरूरत रहेगी, प्रचार की जरूरत रहेगी। हालांकि हर एक बिजनेस में प्रचार की जरूरत रहेगी, लेकिन घर से करते हो तो ज्यादा प्रचार की जरूरत रहती है। हमारे यहाँ से प्रॉपरली गाइडनेस देते हैं, पहले कपड़ा आपको नहीं दिखाया जाएगा, पहले काउंसलिंग होगी, आपको जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज के सेल्स पर्सन दिए जाते हैं, उसके बाद में ही कपड़ा किस तरीके से बिकता है, कितना मार्जिन ले सकते हो, किस तरीके से बेच सकते हो, कहाँ पे कैसे, हर एक छोटे छोटे सवाल के जवाब आप यहाँ आएंगे तो पूरा का पूरा जानकारी लेकर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति, आप सभी का स्वागत है अजमेरा फैशन में, जो कि सूरत की सबसे मशहूर कंपनी है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने खुद के बिजनेस के बारे में सोच रहे होंगे तो आपको लोकेशन एक होती है, एक जगह होती है, उस जगह से आपको पहचाना जाए। जैसे इंसान को इंसान पहचानता है, ये कैसे स्वभाव का है, वो कैसे स्वभाव का है, तो वही स्वभाव के जो लोग हैं वो समझ में हमें आते हैं जब हम उनको देखते हैं, समझते परखते हैं। वैसे ही यदि आप करना चाहते हो खुद का बिजनेस तो आपको कौन सी जगह पे करना चाहिए जिसमें आपका फायदा हमेशा बना रहेगा। इस जगह के बारे में बताने से पहले दो पंक्ति आप सबके लिए, जो कर लो बिजनेस अपने खुद का, जो कर लो बिजनेस अपना खुद का, नहीं मोहताज होना पड़ेगा किसी और का, ये सोचकर आपने शुरू किया है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट। जी दोस्तों, हमने सोचा समझा, प्लानिंग की, पैसा का इन्वेस्टमेंट जो कि करना है वो हमने पूरा देखा समझा किया। बात आती है मुद्दे की, पैसा है, हम कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, कपड़ों का, वो भी हमारा जो थिंक है वो क्लियर हो गया है। उसके बाद में जो पॉइंट आता है वो आता है हमारी दुकान कहाँ हमें खोलनी चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, और दुकान की जो लोकेशन है एक्चुअली लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, कहीं पे भाड़ा ज्यादा है, कहीं पे रेंट का जो कामकाज है वो ज्यादा है, मॉल में करें या दुकान कहाँ से करें, जगह कौन सी रहेगी, यही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मैं आ चुकी हूँ। दोस्तों शुरू कर रहे हैं आप अपना खुद का बिजनेस तो मैं आपको बता दूं, घर से करेंगे तो उसके लिए लोकेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी, केवल आपको माउथ टू माउथ कस्टमर को बनाने की जरूरत रहेगी, प्रचार की जरूरत रहेगी। हालांकि हर एक बिजनेस में प्रचार की जरूरत रहेगी, लेकिन घर से करते हो तो ज्यादा प्रचार की जरूरत रहती है, क्योंकि आपने माल मंगवाया है, आपने रखा है, चार लोगों को पता चलेगा तभी 8 को बता पाएंगे, 16 आएंगे, 32 आएंगे, लोगों को पता चलेगा तब आपके घर पे आएंगे, नहीं तो नहीं। तो घर से शुरुआत कर रहे हो तो प्रचार जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात, मतलब कि आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छा है और करना चाहते हो अपना खुद का बिजनेस तो दुकान सोचेंगे। दुकान के लिए सबसे जरूरी होती है एक लोकेशन जहाँ पे लोगों का आना जाना रहे, हमेशा वो आते रहे। मतलब कि एक सब्जी का मार्केट है, उस मार्केट में लोग हमेशा आते हैं सब्जी लेने के लिए, उसी अकॉर्डिंग आपकी दुकान हो अगल में बगल में, जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, एंट्री गेट होता है, उस एंट्री गेट के बगल में आपकी दुकान हो तो खूब चलेगी, क्योंकि कस्टमर हमेशा आते जाते रहेंगे तो उनको ध्यान में आ जाएगी कि आपकी दुकान यहाँ पे है, आप ये चीज़ों का बिजनेस करते हैं। आप अपने दुकान में साड़ी रखते हो, कुर्ती रखते हो या जो भी कलेक्शन आप रखते हो, तो एक तरीके का डिस्प्ले करते हो, उस डिस्प्ले में ही कस्टमर बन जाते हैं, क्योंकि काफी बार रहता है देखते देखते पसंद आता है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार ऐसा लगता है एक बार पूछ लूं कि क्या प्राइस है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि वो मन को भा गया। और हालांकि कपड़ा जो है वो हमेशा लोगों की पसंद बन चुकी है, अव्वल नंबर पे है कपड़ा, क्योंकि कपड़ा सबको फेवरेट है। जितनी भी महिला है, थकी है, पूरे घर का काम कर चुकी है, लेकिन शॉपिंग के नाम से खुश हो जाती है, क्यों सोचा, क्योंकि उनकी पसंद है वो कपड़ा, उनको फैशन के हिसाब से चाहिए, किसी और को देने के लिए चाहिए, लेने देने का जो व्यवहार है उसके लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, पति के लिए चाहिए, सासू ससुर जी के लिए चाहिए, वैसे ही देर के लिए चाहिए, जेठानी के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए, तो शॉपिंग के नाम से तो खुश होंगे ही होंगे। और यही है एक लोकेशन जो आपको पसंद करना है आपके विस्तार में, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, आसाम,
या फिर मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, किसम, या फिर आप रहते हो कहीं अलग से छोटे से गांव में जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं रहते, छोटी संख्या में लोग रहते, वहां से हर एक राज्य की बात करें, हर एक जिले की बात करें, हर एक गांव की बात करें या सिटी में रहने वाले लोगों की बात करें, कपड़ा हर जगह बिकेगा, लेकिन क्या ध्यान रखना है, जहाँ पे जो चीजों की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, कस्टमर बने रहेंगे। लोकेशन पसंद करना है तो ऐसी जगह पे लोकेशन पसंद कीजिए जहाँ पे लोग आते जाते रहेंगे। ये रहा हमारा नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि आपके अगल बगल के जो लोग हैं वहाँ पे टेलर का काम कर रहे हैं, कोई ना कोई सिलाई का काम करना जानते हैं, तो उससे भी कस्टमर बनेंगे। बुटीक वगैरह है वहाँ से भी कस्टमर बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग आते हैं एक्चुअली जेन्युइन लोग आते हैं, जिनको एक्चुअली लेना है, और एक्चुअली जिनको लेना है, रियल में जिनको खरीदी करनी है, वो लोग आते हैं। तो आपकी एक दुकान रहेगी तो वहां पे भी कस्टमर बने रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लोकेशन आप अपने हिसाब से पसंद कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि शुरू कर रहे हैं तो रेंट से लेकर शुरू कीजिएगा। खुद की है तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी खुद की दुकान है, लेकिन जिनकी भी खुद की दुकान नहीं है उनको मैं बताना चाहूंगी, रेंट पे लीजिएगा। धीरे 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 आपको पता चलेगा कपड़ा कैसे बिकता है, मार्जिन कैसे मिलती है। धीरे धीरे उस फील्ड में आप अंदर घुसोगे तो आपको वो चीजें खुल के मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद में अपनी दुकान, कायमी दुकान कर सकते हो, उस तरीके से भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन पहले तो मैं कहना चाहूंगी रेंट पे दुकान लीजिएगा। शुरुआत कर रहे हो आप तो रेंट पे दुकान से कीजिएगा, कि लोकेशन समझ में आएंगे, पब्लिक समझ में आएगी, लेने वाले लोग आएंगे, तब उस दुकान को खरीद सकते हो। पहले खरीदने के बारे में मत सोचिएगा। उससे ज्यादा आप यदि कपड़ा जो खरीद रहे हो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लोगों को चाहिए कपड़ा। आपकी दुकान किराए की है या खुद की है उनको कुछ लेना देना नहीं है, और आपको फायदा लेना है तो यही प्रोडक्ट है कपड़ा जो कि बिकेगा तभी मिलेगा। हर एक बिजनेस में जो भी माल कुछ भी बेचते हो आप, चाहे हैंड फ्री है, रुमाल है, कुछ भी है, वो बिकेगा तो ही फायदा होगा। इसलिए पहले उसको स्टार्ट करो, देखो, समझो, उसके बाद में आगे बढ़ो। मैं आपको और एक मुद्दा बताना चाहूंगी, वो रहने वाला है तीसरा जी। मुद्दा नंबर थ्री वो रहेगा जहाँ पे मार्केट लगता है, रविवारी, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, गुरुवारी, शुक्रवारी, शनिवारी, ऐसे कई सारे मार्केट हर एक जगह पे लग रहे हैं, वहाँ पे भी आप अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। कपड़े की दुकान जो है वो हर जगह चलेगी, ये ध्यान रखना, लेकिन लोकेशन वाइज रखेंगे तो कस्टमर बेस जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। जब माल ज़्यादा बिकोगे तभी मुनाफा ज़्यादा कमाओगे। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा गणित है, ये गणित आपको समझना बहुत ज़रूरी है यदि आप कपड़े की दुकान स्टार्ट करना चाहते हो। कपड़े की दुकान हो या कहीं और कुछ भी दुकान या बिजनेस के लिए कर रहे हो तो वो रहते हैं कस्टमर। कस्टमर हमारा बेस रहता है। कस्टमर आए ही ना तो दुकान चले ही ना, और दुकान का जो भाड़ा है, किराया, वो फिर तो अलग ही बात, अपने ही जेब से देना पड़ेगा। लोग एक महीना दो महीना दे सकते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं देगा, और ना ही बिजनेस की ओर जाना चाहेगा। इसलिए आपको एकदम A1 बिजनेस लेकर आई हूं जो कि आपके लिए हमेशा फायदा रहेगा ही रहेगा। ये बिजनेस घर से करती है महिलाएं, ये बिजनेस रोड पे स्टोर लगाते, इको गाड़ी हो गया, कार हो गया, या फिर छोटी छोटी बाइक होगी उसके ऊपर लगाकर भी करते हैं। तो ये कपड़ा हर जगह बिकता है, हर शहर बिकता है। तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है, सारी जानकारी लेनी है। हमारे यहाँ से प्रॉपरली गाइडनेस देते हैं। पहले कपड़ा आपको नहीं दिखाया जाएगा, पहले काउंसलिंग होगी, आपको जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज के सेल्स पर्सन दिए जाते हैं, उसके बाद में ही कपड़ा किस तरीके से बिकता है, कितना मार्जिन ले सकते हो, किस तरीके से बेच सकते हो, कहाँ पे कैसे, हर एक छोटे छोटे सवाल के जवाब आप यहाँ आएंगे तो पूरा का पूरा जानकारी लेकर जाएंगे और अपना खुद का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छी ऊंचाई तक लेकर जाओगे। तो दोस्तों, दिए गए नंबर पे बिल्कुल कॉल कीजिएगा, जानकारी लीजिएगा। सूरत की सबसे मशहूर कंपनी अजमेरा फैशन से विजिट कीजिएगा, जो कि फैक्ट्री प्राइस में आपको प्रोडक्ट देती है। कोई भी मीडिएटर नहीं होता है, दलाल एजेंट कोई नहीं रहता है, आपको फैक्ट्री प्राइस में मिलता है। इसलिए
लिए 30 गुना ज्यादा मुनाफा लेने के लिए सूरत में अजमेरा फैशन जरूर आइए। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।